रीवा की ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पुराने बस स्टैंड से फिर से बसों के संचालन को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, कार्यवाही की मांग की। ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि एक हफ्ते के लिए पुराने बस स्टैंड को बंद किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज 2 महीने बीतने को आए और सड़क का काम पूरा नहीं कर पाया। अभी भी पूरे होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ठेकेदार पर कार्यवाही होनी चाहिए। पुराने बस स्टैंड के दुकानदार, जिनकी रोजी रोटी ही रोजमर्रा की कमाई पर चलती थी, पिछले 2 माह से बंद है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। प्रशासन इस ओर तत्काल ध्यान दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम निकट भविष्य में मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएंगे। इस बारे में हमने ट्रांसपोर्ट यूनियन के संरक्षक सरदार प्रहलाद सिंह से बात की, आइए आपको सुनाते हैं। आज एसपी सर से मुलाकात करने आए हैं, किन मांगों के लिए? जी, आपको जैसा कि मालूम है कि 2 माह से पुराने बस स्टैंड में बसें खड़ी नहीं कर दी जा रही हैं और उसको रेलवे किराए पे खड़ा किया जा रहा है। उससे मोटर मालकों को तो परेशानी बहुत हुई है और यात्री परेशान हैं, दुगना किराया लग रहा है। और जो बस स्टैंड के व्यापारी भाई हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं और हैंड टू माउथ हैं, रोज़ कमाने रोज खाने वाले, वो भी बड़े परेशान हैं। और हम लोग एसपी साहब से पहले मिल चुके हैं और डिप्टी एसपी ट्रैफिक से मिल चुके हैं 2 बार, लेकिन कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। जैसा कि बीच में अखबार में आया था कि कलेक्टर साहब ने ठेकेदार को बुलाया, कहा था कि आप रात को काम करिए, सुबह रात को 10 से 6 बजे तक काम करिए। कुछ दिन काम चला, लेकिन बाकी थोड़ा सा काम रुका हुआ है और वो काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है। तो ये तो ठेकेदार की भी गैर जिम्मेदारी है, घोर लापरवाही है इस तरह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है, और इसलिए हम लोगों को बस स्टैंड से गाड़ियों का संचालन नहीं करने दिया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और जल्दी से वो रोड बने और हम लोग पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन करें, यात्रियों को परेशानी खत्म हो, व्यापारी समाज की जो रोजी रोटी खत्म हो गई 2 महीने से, वो परेशान है सीजन में, उनकी भी समस्या का हल हो। इसीलिए हम अभी एसपी साहब से मिलने आए हैं और थोड़ी देर में एसपी साहब आने वाले हैं, हम उनसे पूरी बातें अपनी रखेंगे। जैसे कि आगे मांग अगर नहीं पूरी होती क्या करें? नहीं होगी तो फिर व्यापारी समाज के और बस ऑपरेटर सब मिल के एक मीटिंग बुला, कोई बात, कोई नीति तय होगी और उसको जिला प्रशासन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि हमको क्या करना है। जब यहाँ से बस स्टैंड हटा था तो आपको एक आश्वासन मिला था, कितने दिवस का वो मिला था? टाइम था कि 10 दिन के अंदर जल्दी आप लोग यहाँ आ जाओगे, लेकिन 2 महीने हो गए हैं और काम कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। ये बड़ी दुखद स्थिति है और ठेकेदार की गैर जिम्मेदारी से हम चाहेंगे उसके ऊपर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करें और जल्दी से रोड बनवाए जिससे सबकी सुविधा बने। और ये जिला प्रशासन में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए कि इतने लोग परेशान हैं, उसका निदान जल्दी हो, यही हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपेक्षा रखते हैं।